Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am Shumail Hussain Siddiqui, lecturer at Kent College of Science and Commerce, the English teacher of the class. Students, जैसे कि COVID-19 season 2 की जब starting थी, मतलब जब coaching हमारा जो है online आने वाला था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हम अभी जब वो CV बनाना आपको जब वो सिखाएंगे, ठीक है. सो अब लाजमी सी बात है, एक CV जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैं आपको उसके लिए सिखा दूं कि भाई जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही आपने ड्रॉ करनी हो, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं एक अच्छी CV आपको बनाना सिखाऊंगा, और आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी इसी से मुताल्लिक है कि हम इसमें जो है वो एक अच्छी प्रोफेशनल CV जो है वो बनाना सीखेंगे. बल्कि पहले तो ये सीख जाएं कि CV क्या होती है. सही, आज के जो लेक्चर हमारे से कंटेंट जो है वो क्या है, व्हाट इज CV, डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूमे, पर्पस ऑफ CV, व्हाट इज एन इफेक्टिव और किलर CV, फॉर्मेट्स ऑफ CV एंड विच इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर यू. आज के हमारे कॉन्टेंट्स हैं जिसके बारे में, जिसमें हम जो है वो CV के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. CV क्या होती है, CV में और रिज्यूमे में क्या फ़र्क होता है, पर्पज़ CV बनाने का मकसद जो है वो क्या होता है, एक इफेक्टिव CV कह लीजिए या किलर CV कह लीजिए, जो कि आपके रीडर के लिए या एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होती है, ठीक है. वो कैसे बनाई जा, क्या होती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, और CV के डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो कौन कौन से हैं, और आपके लिए इन तमाम फॉर्मेट्स में से वो जो तीन फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आज के लिए हमारे ये कंटेंट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स, ये है कि जो वाला लेक्चर हमारे CV और उसकी डिटेल्स उन सब से मुतालिक है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये, व्हाट इज CV, CV क्या होती है, ठीक है. CV मीन्स करिकुलम विटाए, सही, करिकुलम विटाए CV. ऑरिजिन इसका क्या है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है. और मीन्स इसके मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या है CV के, द कोर्स ऑफ वंस लाइफ. और करिकुलम विटाए इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन और एक्सप्रेशन ऑफ योर वर्क स्किल्स एबिलिटीज एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. करिकुलम विटाए बेसिकली क्या होता है कि एक रिटन डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें आपने जो भी आपका वर्क है, सही है, रेलेवेंट टू द फील्ड, सही है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, सही, उनको आप एक रिटन डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी एजुकेशन को, ठीक है. ये सब CV के कंटेंट होते हैं, योर वर्क, योर स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन, दीज आर द मेन कंटेंट्स ऑफ योर CV, ठीक है. इसके अलावा दीगर चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, लेकिन मेन फोकस जो हम CV पर करते हैं वो करते हैं अपने वर्क पर, स्किल्स पर, एबिलिटीज पर, एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन पर. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन अ CV एंड अ रिज्यूमे, ठीक है. कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि CV और रिज्यूमे. अच्छा, इसको बेसिकली हम प्रोनाउंस करते हैं रिज्यूमे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको रिज्यूम रिज्यूम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो रिज्यूम जो वो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, और ये रिज्यूमे है. अच्छा जनाब, तो डिफरेंस CV का और रिज्यूमे का क्या है. टारगेट, सबसे पहले तो टारगेट के भाई, टारगेट CV में किया जाता है हमारे, सही, टारगेटेड एट फेलो एकेडमिक्स, सही, एकेडमिक्स जो है हमारा उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है. और रिज्यूमे में हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिक जॉब सेक्टर को, अपने लेंथ,
सीवी के अंदर सीवी की जो लेंथ है वो मल्टीपल पेजेस पर हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, से एक से ज़्यादा पेजेस पर आप जा सकते हैं, दो तीन चार सही है पेजेस पर, 5 पेजेस पर भी आप सीवी जो अपनी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रिज्यूमे जो है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 1 पेज। इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1 पेज पर ही, अमूमन रिज्यूमे जो है वो 1 पेज पर ही रखी जाती है, ठीक है, नो नॉट मोर देन दैट। एक अच्छी रिज्यूमे 1 पेज की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और फोकस इज ऑन जो सीवीएस में हम फोकस जो है वो खास करके कर रहे होते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स पर, रिसर्च प्रोफाइल पर, और रिज्यूमे में हमारी जो फोकस है, हमारा फोकस स्किल्स पर और हमारी अकम्पलिशमेंट्स पर होता है, ठीक है। दोनों में फर्क यह है, फोकस इसमें एकेडमिक अचीवमेंट पर, रिसर्च प्रोफाइल पर, ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और, हमारे एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। जबकि रिज्यूमे में हम जो फोकस करते हैं स्किल्स और अकम्पलिशमेंट पर, अच्छे जनाब, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस और ग्रांट एंड फेलोशिप्स, इसमें मतलब जो सीवी है हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन रिज्यूमे में इंक्लूड ना करें तो बेहतर है, कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन हमेशा सीवी के अंदर पब्लिकेशंस को, अपनी प्रेजेंटेशंस को, ग्रांट्स, फेलोशिप्स वगैरह को इंक्लूड लाजमी किया जाता है, सही, रिज्यूमे में इसकी ज़रूरत इतनी कोई ख़ास नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट कि भाई आपके रिज्यूमे बहुत छोटी हो रही है, इसे एक पेज पर भी नहीं आ पा रही पूरी, सो यू मे इंक्लूड दीज थिंग्स इन दैट टू एक्सटेंड इज लेंथ। नेक्स्ट वन, वर्क एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस। अच्छा, सीवी के अंदर ये ज़रूरी नहीं है समटाइम्स इंक्लूडेड ब्रीफली, हाँ कभी कभार आप जो इन शॉर्ट टर्म जो है वो इसको अपनी सीवी के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिज्यूमे के अंदर इसको लाजमी ऐड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है, आपको 1 पेज लेंथ जो है वो उसकी कंप्लीट करनी है, तो अपना वर्क सही है, और अपनी स्किल्स को बयान करने के लिए अपना वर्क है, अपनी करिकुलर एक्सपीरियंस है, वो लाजमी शेयर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिज्यूमे में आप जो एम्प्लॉयर है उसका फोकस ज़्यादातर आपकी स्किल्स पर होता है, ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट और इंक्लूड योर स्किल्स, सही है, इन द रिज्यूमे रेफरेंसेस। एकेडमिक्स के सीवी जो है, एकेडमिक सीवी जो है, इसके अंदर आप रेफरेंस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रिज्यूमे में इसको इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है, समटाइम यू मे डू सो एज पर योर नीड, सही। ओवरऑल द सीवी प्रोवाइड्स, अच्छा सीवी जो है आपकी, इट्स योर सीवी प्रोवाइड्स अ फुल हिस्ट्री ऑफ योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन आपकी जितनी भी असनाद हैं, सनद, सनद समझते हैं आप, जो भी आपकी सनद आपको जो भी कहीं से मिली हुई है, मीन्स आपकी डिग्रीज वगैरह जो कि आपने यूनिवर्सिटीज से हासिल की हैं, कॉलेजेस से जो आपको मिले, वो सारे के सारे आप यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है, सीवी के अंदर ये लाजमी है। जबकि रिज्यूमे में, रिज्यूमे इज अ स्नैपशॉट ऑफ योर स्किल्स। रिज्यूमे क्या है, ये आपका एक स्नैपशॉट आपकी स्किल्स का फॉर द जॉब यू आर सीकिंग, और ये स्किल्स आप इसलिए बयान कर रहे होते हैं कि आपको जो जॉब रिक्वायर्ड है उस जॉब को अचीव करने के लिए आप अपनी स्किल्स शो कर रहे होते हैं, दैट यू आर फिट फॉर दैट जॉब, कि आप जो है वो उस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। अच्छा जी, और सीवी के अंदर जो की क्वेश्चन है, व्हाट इज द की क्वेश्चन, की क्वेश्चन होता है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, जबकि रिज्यूमे डू यू हैव द स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स, जबकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उन स्किल्स की बात कर रहे होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस जॉब के लिए, सही, लाजमी सी बात है, अगर कोई टेक्निकल जॉब है उसमें टेक्निकल स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, आपके पास है या नहीं है, यू हैव टू मेंशन इट, लाजमी सी बात है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी स्किल्स की बेस पर आपको क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है, जबकि जो सीवी है उसके अंदर जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो लाजमी सी बात है उसमें आपको एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब मिलती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीवी, सीवी का
पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, सीवी क्यों बनाई जाती है, ठीक है, रीजन क्या है द पर्पस। अच्छा, लोग डिफरेंट पर्पसेस जो इसमें लिख रहे होते हैं, तो पर्पस मोस्टली लिखा जाता है द पर्पस ऑफ सीवी इज टू सेल योर सेल्फ, इज टू सेल योर सेल्फ, आप अपने आप को बेच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ और बहुत सारे लोग भी डिफरेंट करते हैं। अमूमन लोग कहते हैं सेल योर सेल्फ, यार हम अपने आप को तो नहीं बेच रहे। सही है, द पर्पस ऑफ सीवी अकॉर्डिंग टू मी इज टू सेल योर स्किल्स एबिलिटीज। हम क्या कर रहे होते हैं, सीवी का पर्पस जो होता है, इसलिए सीवी सेट की जाती है, इसलिए सीवी ड्रॉ की जाती है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को सेल्स कर रहे होते, उनको सेल कर रहे होते हैं, उनको बेच रहे होते हैं, बाय मेंशनिंग योर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। और उस सीवी के अंदर हम अपनी स्किल्स जो बेच रहे होते हैं, वो किस बिहाफ पर बेच रहे होते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, ठीक है। एंड इट परसुएड द एम्प्लॉयर टू इनवाइट यू फॉर इंटरव्यू। और सीवी का एक पर्पस होता है परसुएशन, ठीक है, परसुएशन किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो परसुएड होकर आप उसको परसुएशन करें और वो आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल करके आपको बुलाए, ठीक है। लाजमी सी बात है कि तो फिर बात बहुत हद तक सीवी की होती है कि भाई आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाए। इट इज अनदर मैटर दैट यू विल बी पास और फेल इन योर इंटरव्यू, ठीक है, इट इज अनदर मैटर, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन सीवी ऐसी आई कैचिंग होनी चाहिए, इतनी पर्पसफुल होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए लाजमी बुलाए, आपकी क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपकी स्किल्स को देखते हुए, आपकी एबिलिटीज को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इफेक्टिव सीवी, एक इफेक्टिव सीवी के फंक्शंस क्या हैं, एक इफेक्टिव सीवी जो है वो आपके लिए क्या रोल प्ले करती है। एवरीवन हैज पोटेंशियल, हर किसी में जो है पोटेंशियल मौजूद है, हर शख्स में, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन इफेक्टिव सीवी जो है वो क्या रोल प्ले करती है, इफेक्टिव सीवी स्टैंड्स यू आउट फ्रॉम द क्राउड, वो बेशुमार लोगों का जो क्राउड है जो अपनी सीवी उस जॉब के लिए भेज रहे हैं, आपको स्टैंड यू आउट, आपको उनमें मुनफरिद कर देती है, आपको उनमें यूनिक कर देती है। आपकी इफेक्टिव सीवी, एक किलर सीवी जो है वो उस क्राउड से, पोटेंशियल तो हर इंसान के अंदर है, आपको उन बेशुमार इंसानों से मुनफरिद करती है, ठीक है। एवरीवन हैज मोर स्किल्स देन दे थिंक दे डू, लाजमी सी बात है, हर किसी के अंदर बेशुमार स्किल्स होती हैं जो आप पूरी सीवी के अंदर लिख भी नहीं सकते, इतनी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटीज और स्किल्स जो है वो पैदा की हैं, ठीक है। तो हर इंसान ये सोचता है उसके अंदर बेशुमार स्किल्स हैं। इफेक्टिव सीवी क्या करती है, इफेक्टिव सीवी कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू योर रेलेवेंट स्किल। एक इफेक्टिव सीवी, किलर सीवी जो है, एम्प्लॉयर की अटेंशन ग्रैब कर लेती है, आपकी रेलेवेंट स्किल्स की जानेब, आपके एक्सपीरियंस की जानेब, आपकी अचीवमेंट और पोटेंशियल की जानेब, ठीक है। ये चीजें जो है आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट स्किल्स, अचीवमेंट्स और आपके पोटेंशियल्स जो है, ये आपके एम्प्लॉयर के लिए क्या है, उसके लिए यही चीजें जो है वो ग्रैबिंग पॉइंट है, सही है, वहीं पर आप जो है उसके लिए कैचिंग पॉइंट है। आप ये चीजें शो करके एक अच्छी सीवी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप पर्पसफुली अपने स्किल्स को लिखें, एक्सपीरियंसेस को लिखें, अपनी अचीवमेंट्स को लिखें, अपने पोटेंशियल्स, प्लस पॉइंट्स वगैरह ये सारे ऐड करेंगे, तो वो जो है ये सारे फैक्टर्स जो है आई कैचिंग होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये सारे एम्प्लॉयर के लिए अट्रैक्टिव फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके बिहाफ पर वो आपको इंटरव्यू कॉल करके जॉब के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, बुलाते हैं बल्कि। एक और बात, एवरीवन कैन राइट अ गुड सीवी, हर कोई भाई अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन सीवी, बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्मेट बना सकता है, लेकिन इफेक्टिव सीवी क्रिएट सच एन इम्प्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर दैट यू विल नॉट बी एबल टू टर्न यू डाउन फॉर द इंटरव्यू। देखो, हर कोई अच्छी सीवी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, इतने फॉर्मेट्स इंटरनेट पर पड़े हुए होते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आप बना सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव सीवी जो है ना, वो आपका एक ऐसा इम्प्रेशन जो है वो ड्रॉ करती है किसके माइंड में, एम्प्लॉयर के माइंड में, कि वो आपकी सीवी को देखकर, आपके एक्सपीरियंस को, अचीवमेंट्स को, पोटेंशियल को देखकर आपको कभी भी टर्न डाउन ना करे। टर्न डाउन मीन्स आपकी सीवी को मुस्तरद और रिजेक्ट ना कर पाए,
ठीक है, ये तीन फंक्शंस जो कि एक इफेक्टिव सीवी के होते हैं, ये एक इफेक्टिव सीवी में, ये किलर सीवी के अंदर इट इज द मोस्ट नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जनाब अब बात आ गई है फॉर्मेट्स ऑफ सीवी की, कि जनाब हमारे पास सीवी के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे तीन किस्म के फॉर्मेट्स, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस क्या है? क्रोनो फंक्शनल, यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली, क्रोनोलॉजिकल का और फंक्शनल का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं और क्रोनो फंक्शनल सीवी भी कहा जाता है। ये तीन फॉर्मेट्स हमारे यहाँ सीवी के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या, अब हम ये देखते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो इन तीनों में है, क्या क्या फर्क है। सही है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम्स रिज्यूमे द मोस्ट स्टैंडर्ड रिज्यूमे फॉर्मेट। सही, मोस्ट स्टैंडर्ड जो है वो क्रोनोलॉजिकल होता है। ठीक है, इट हैज अ लार्ज वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आप अपनी फील्ड के अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपके लिए क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट जो है सीवी का वो बेस्ट रहता है। इट लिस्ट योर मोस्ट रिसेंट जॉब, इसके अंदर आप मोस्ट रिसेंट जॉब जो है वो अपनी मेंशन करते हैं, उसके अलावा तमाम जॉब एक्सपीरियंस और फॉर्मर जॉब्स भी, लेकिन खास जो आपने फोकस रखना होता है वो मोस्ट रिसेंट पर रखना होता है। उसके बाद देन हम जो है वो फर्दर प्रीवियस जॉब्स की तरफ आते हैं, बाय डेट इन अ टाइम लाइन एट द टॉप ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा जी, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे शोज हायरिंग मैनेजर दैट यू योर मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट टू द जॉब। अच्छा जी, ये सीवी जो है या रिज्यूमे जो है वो इस बात को शो करती है। सही है, हायरिंग मैनेजर जो उसको इस बात पर एम्फेसिस करती है, इस बात पर उसका फोकस करवाती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है रेलेवेंट जॉब का, सही, जो जो जिस जॉब को उन्होंने ऑफर किया हुआ है, आपका उस एक्सपीरियंस उस जॉब से रेलेवेंट है, उस जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, लाजमी सी बात है, जब कोई भी शख्स जॉब ऑफर कर रहा होता है तो उसको जो चीज़ सबसे पहले चाहिए होती है वो ये कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आए, ठीक है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू दैट जॉब, उसी जॉब्स के मुताबिक होना चाहिए, उसी से रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि फिर ऐसा ना हो कि उसको ला के पहले सिखाना पड़े, समझाना पड़े, सब कुछ करवाना पड़े, और उसके बाद फिर उसको ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेनिंग, उसको समझा बुझा के फिर जॉब के लिए हायर किया जाए। अगर आपका एक्सपीरियंस जो उस रेलेवेंट उस जॉब से रेलेवेंट होगा, उससे रिलेटेड होगा, तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नंबर टू, रिप्रेजेंट्स योर करियर इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस एंड करियर प्रोग्रेस। अब एक और चीज, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे जो है वो आपके करियर हाइलाइट्स, सही है, इट हाइलाइट्स योर करियर। ठीक है, क्या है? आपकी प्रमोशंस वगैरह ड्यूरिंग आपके करियर में, आपके जॉब पीरियड में कितनी हुई है, आपने क्या आप करियर प्रोग्रेस किया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बयान किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर जो है वो हायर हुए थे और आपने 5 साल 7 साल असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर ही वहाँ गुजार दिए, दैट मीन्स यू डोंट हैव पोटेंशियल। ठीक है, आप में पोटेंशियल नहीं है। अगर पोटेंशियल होता तो आप क्या करते, आपको प्रोग्रेस मिलती, आपके प्रमोशंस वगैरह होते। तो कंपनी मतलब जो हायरिंग मैनेजर्स हैं वो ये सारे के सारे फैक्टर्स को नोट कर रहे होते हैं कि बंदे में अगर पोटेंशियल थी तो इसको फर्दर जो प्रीवियस फर्म जिसमें ये जॉब कर रहा है उसी के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस मिलनी चाहिए थी। ठीक है, और अगर नहीं मिली, दैट शोज योर नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट रिप्रेजेंट्स योर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हायरिंग मैनेजर। नंबर थर्ड, हाईलाइट्स हाउ यू हैव हैड अ नॉर्मल करियर विदाउट वर्क गैप्स और टर्मिनेशन। एक और प्लस पॉइंट है कि भाई इसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि आपने किस तरह से एक नॉर्मल करियर या एक्सलेंट करियर जो गुजारा, जिसमें आपका कोई वर्क गैप नहीं आया। ठीक है, आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं किया गया कंपनी की तरफ से। लाजमी सी बात है, इफ यू मेंशन हियर द टर्मिनेशन फ्रॉम अ फर्म, कि अभी कंपनी ने आपको, किसी भी फर्म ने आपको टर्मिनेट किया है, दैट्स रियली बैड इम्पैक्ट। सही है, आपका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले तो बल्कि इसका फॉर्मेट हम देखते हैं
ये सीवी जो है इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर गौर कर लीजिए, इसमें रिज्यूमे के अंदर आप देख रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, और स्किल्स के सेक्शन को हमने क्या किया हुआ है, छोटा किया हुआ है। सही है, क्योंकि इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में जो फोकस होता है वो किस पर होता है, वो आपके एक्सपीरियंस पर होता है, ठीक है। स्किल्स, जब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो स्किल्स उसके सामने कोई इतना ही ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन स्किल्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने, एक वास्ट एक्सपीरियंस के सामने वो जो है मतलब दे हैव लेसर इम्पोर्टेंस देन द वास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आप इसको और से देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, विच इज फंक्शनल। फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट फोकसेस ऑन योर रेलेवेंट जॉब स्किल्स, ठीक है। ये जो आपकी रेलेवेंट जॉब स्किल्स पर फोकस करता है, फंक्शनल रेज्यूमे जो है इसका जो फॉर्मेट है ये फोकस करता है आपके रेलेवेंट जॉब स्किल्स पर, कि भाई जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर रहा है आपकी स्किल्स जो हैं उस जॉब से रिलेटेड हैं या नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या बहुत ही कम है तो फंक्शनल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर यू, कि भाई आप इसके अंदर अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हैं। अनलाइक द क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, द फंक्शनल फॉर्मेट इग्नोर्स व्हेन एंड वेयर यू लर्न योर स्किल्स, कि भाई आपने इसके फंक्शनल जो फॉर्मेट है ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे की तरह नहीं है जिसके अंदर फोकस किया गया कि आपने अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स वगैरह जो है वो कहाँ से और कब सीखे, ठीक है। इसके अंदर फोकस किया जाता है इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन योर वर्क हिस्ट्री। फंक्शनल रिज्यूमे आर यूज्ड टू लिस्ट योर स्ट्रॉन्ग रिज्यूम स्किल्स एट द टॉप। इसके अंदर जो फोकस किया जाता है वो आपकी स्किल्स पर रदर देन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। अ फंक्शनल रिज्यूमे एम्फसाइजेस योर रेलेवेंट स्किल्स फॉर द जॉब। इसके फंक्शन क्या है, सही है, फंक्शनल रिज्यूमे के ये आपकी रेलेवेंट स्किल्स, सही है, उस पर फोकस करता है कि भाई आपको जो जॉब ऑफर की जा रही है उसमें आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन आपकी स्किल्स क्या है, वो यू फुलफिल द स्किल्स दैट नीडेड फॉर द जॉब, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज दैट इट डिमॉन्स्ट्रेट्स योर रेडीनेस टू परफॉर्म द नेसेसरी वर्क और नेसेसरी जॉब। ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि आप जो है यू आर रेडी टू परफॉर्म द जॉब, कि आप जो है उस जॉब को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड द थर्ड इज रिमूव्स फोकस फ्रॉम योर वर्क हिस्ट्री। इसका एक और जो फंक्शन है फंक्शनल फॉर्मेट का, कि वो एम्प्लॉयर के, सही है, या फिर जो हायरिंग मैनेजर है उसके फोकस को आपकी वर्क हिस्ट्री से रिमूव कर देता है, उसके फोकस को वहां से रिमूव करके उसके फोकस को डाइवर्ट करता है आपकी स्किल्स की जाने, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसमें आपकी वर्क हिस्ट्री के बजाय आपकी स्किल्स पर फोकस किए जाते हैं, तो इसके फॉर्मेट भी हम देखते हैं। लेट्स सी, नाउ दिस इज द फंक्शनल रिज्यूमे, ठीक है। इसके अंदर आप नोट कर लीजिए कि आपके पास जो सेक्शन है वो स्किल सेक्शन बड़ा है, जो प्रीवियस आपने, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था आपको, उसके अंदर आपके पास जो मतलब जॉइंट सेक्शन था वो था आपके एक्सपीरियंस का, ठीक है, आपके वर्क शेयर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी वर्क के बजाय आपकी स्किल्स पर फोकस किया गया, ठीक है। इफ यू आर न्यू, अगर आप कौन हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर नए कदम रखने जा रहे हैं, सही, नए मतलब इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं, तो फिर ये आपके लिए बेहतर रहता है कि आप फंक्शनल रिज्यूमे जो है वो बनाकर सेंड करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। नाउ थर्ड टाइप इच इज क्रोनो फंक्शनल फॉर्मेट, जिसको हम कंबाइन फॉर्मेट भी कहते हैं, इसको हम क्रोनो फंक्शनल फॉर्मेट भी कहते हैं, ठीक है। द कॉम्बिनेशन रिज्यूम्स फॉर्मेट कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ द
chronological and functional formats by grouping your skills under a relevant skills and experience section, and then listing your employment history below in chronological order. अच्छा, ये जो है कॉम्बिनेशन है क्रोनोलॉजिकल सीवी और उसके साथ साथ फंक्शनल सीवी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप जो है क्या करते हैं, जिसमें आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को एक ग्रुप फॉर्मेट में शो कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो बड़े अच्छे से बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल क्रोनो फंक्शनल रिज्यूमे जो है, इसके फंक्शन क्या है, बिगिंस विद द रिज्यूमे प्रोफाइल, रिज्यूम रिज्यूमे समरी और समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें जो है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। लीड्स विद द कोर स्किल सेक्शन, लाइक फंक्शनल रिज्यूमे आपका कोर स्किल्स है उसका सेक्शन भी भरपूर होता है इसके अंदर, एंड विद अ डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है उसका भी एक कंप्लीट सेक्शन मौजूद होता है, एक डिटेल्ड सेक्शन मौजूद होता है इसके अंदर, मतलब आप लिखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर स्किल्स का सेक्शन और ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये दो सेक्शंस कंबाइन होकर मजीद एक पोटेंशियल आपकी सीवी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इसको हम क्रोनो फंक्शनल फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो ड्रॉ की जाती है, ये सीवी जो है कैसे तैयार की जाती है। नाउ अब देखें, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिज्यूमे है उसे, यानी कि क्रोनो फंक्शनल रिज्यूमे या सीवी हमारे पास मौजूद है, तो इसके अंदर आप देखें स्किल सेक्शन भी जो है वो मेंशन हुआ हुआ है, और उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस जो है, ये दोनों चीज़ें जो है वो हाईलाइटेड है सेंटर में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें हाईलाइटेड है, और इसके अंदर हमने स्किल सेक्शन के अंदर पूरे अच्छी तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और नीचे इसमें हम नोट कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस जो है हमारे वो भी, मतलब करंट और देन प्रीवियस, वो एक्सपीरियंस भी हमने फर्दर जो है इसमें शो किए हुए हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों सीवीज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल जिसमें हम सिर्फ एक्सपीरियंस को ज्यादा फोकस करते थे, और दूसरी फंक्शनल जिसमें हम स्किल्स पर फोकस करते थे, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर दोनों चीजों को हमने फोकस किया, हाईलाइट किया। अच्छा जनाब, अब बारी आती है विच इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर यू। सही है, आपके लिए सीवी, जब आप एक इंशाल्लाह ताला अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मेट जो है वो कौन सा होना चाहिए, आप जब सीवी बना रहे हो अपनी, सही, तो कौन सी आप सीवी के फॉर्मेट को चूज करें। ठीक है, वैसे तो इतना डिटेल में मैंने समझा दिया कि आपके पास क्या चीज़ है, तो आप कौन सी ड्रॉ करेंगे। सही है, तो इस वक्त हम थोड़ा सा परेशान हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर बेशतर पूछते भी कि सर मैं कौन सी वाली, आपने तीन टाइप्स की बता दी थी, उनमें से कौन सी वाली जो मेरे लिए सूट करेगी। ठीक है, तो उनको बार बार समझाना पड़ता है को। अब देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीवी अगर आपके लिए उस वक्त बेस्ट रहेगी, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइडली यूज फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए यूज होती है, मेनली यूज बाय इंडिविजुअल विद सॉलिड वर्क हिस्ट्री। अगर आपके पास सॉलिड वर्क हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके लिए क्रोनोलॉजिकल बेहतर रहती है। फ्यू और नो गैप्स बिटवीन जॉब्स, अगर आपके जो जॉब पीरियड है, सही है, इसके अंदर बहुत थोड़े से गैप्स आए हैं, सही, जब कोई गैप नहीं आया तो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने क्या करना है, आपने फिर क्रोनोलॉजिकल सीवी फॉर्मेट को अडॉप्ट करना है, आपने अपनी सीवी जो बनानी है वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट पर बनानी है। इसके लिए दो चीज़ें, एक तो आपके पास सॉलिड वर्क हिस्ट्री यानी कि एक्सपीरियंस का होना लाजमी है, और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो जॉब है उसमें ज़्यादा गैप्स ना आए हो, या तो गैप बिल्कुल ही ना हो या बहुत कम। अब आप देख लीजिए यहाँ पर भी इसका जो फॉर्मेट मैंने साइड में मौजूद आपको नजर आ रहा है कि स्किल्स का सेक्शन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन एक्सपीरियंस का सेक्शन बहुत वास्ट है। ठीक है,
Then we have functional CV. Functional CV focuses on the skill set of an इंडिविजुअल. ये किस पर फोकस कर रहा होता है? हमारे स्किल्स सेक्शन पर, हमारे स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, हमारे स्किल्स को हाईलाइट कर रहा होता है. अब ये सीवी आप नोट कर लें, मेनली यूज बाय इंडिविजुअल विद सिग्निफिकेंट गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, जिनकी एम्प्लॉयमेंट यानी कि हिस्ट्री के दौरान गैप्स आए हैं, उनके लिए ये बेहतर है. सही है. और मिक्स एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, या बहुत सारी फर्म्स में आपने जॉब की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स, ठीक है, और उसमें अगर आपकी जॉब है तो एक तरह की आपकी जैसे जॉब नहीं रही, कभी आपने जो सेल्स में जॉब की है, कभी आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब की है, कभी और किसी डिपार्टमेंट में जॉब की है, यानी कि इफ यू हैव अ मिक्स एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देन दिस सीवी यानी कि फंक्शनल सीवी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू. या फिर आपकी वर्क हिस्ट्री बहुत ही कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट है, तो भी आपके लिए फंक्शनल सीवी जो है वो बेस्ट रहेगी. ठीक है, ये तीन चीजें, विद सिग्निफिकेंट गैप इन एम्प्लॉयमेंट, मिक्स एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड और वेरी शॉर्ट वर्क हिस्ट्री, तो आपके लिए कौन सी फंक्शनल सीवी जो है वो बेस्ट रहेगी, जिसमें आपने वर्क एक्सपीरियंस को कम और अपनी स्किल्स एबिलिटीज को ज्यादा फोकस करना है. अब बारी आती है जनाब थर्ड फॉर्मेट, क्रोनो फंक्शनल सीवी की. ठीक है, अगर इफ यू हैव स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक स्किल्स एंड टैलेंट, यानी कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट स्किल्स भी है, पोटेंशियल भी है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों के कॉम्बिनेशन को फोकस करते हुए आप जो सीवी बनाए अपने लिए वो क्रोनो फंक्शनल इज बेस्ट फॉर यू, यूज मेनली बाय इंडिविजुअल. अच्छा, फ्रेशली ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल विद अनइंटरप्टेड वर्क हिस्ट्री और अप्लाइंग फॉर स्पेसिफिक जॉब, ये इन लोगों के लिए जिनमें ये तीन जो मैंने क्वालिटीज बता दी, फ्रेशली ग्रेजुएट हो, सही है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, बट आप उसके साथ साथ जो है वो फ्रेशली ग्रेजुएट है. हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह इंटरमीडिएट में जॉब शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट होता है 2 साल में, तो वो उनके पास 2 साल का, 3 साल का एक एक्सपीरियंस भी जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है. और इस 2-3 साल में अगर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो भी अनइंटरप्टेड रही है, यानी कि उसमें लैप्सेस नहीं है, गैप्स नहीं आए, तो आपके पास जो है क्रोनो फंक्शनल बहुत बेहतरीन है. ठीक है, और उस वक्त जबकि आप खास एक किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से कि भाई क्रोनोलॉजिकल आप कब चूज करें. बेस्ट इफ यू आर अप्लाइंग टू अ जॉब इन योर करंट फील्ड और इंडस्ट्री, अपनी ही फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करें, क्रोनोलॉजिकल बेस्ट है. वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है, योर वर्क एक्सपीरियंस स्किल सेट आर इंटीमेट लिंक्ड, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी स्किल्स जो है वो एक लिंक रखते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ट है. यू आर एन एंट्री लेवल कैंडिडेट और एन स्टूडेंट विद सम वर्क एक्सपीरियंस, आप एंट्री लेवल के हैं या फिर आपके पास कोई जो है कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगी. ठीक है, सेकंड वन इज फंक्शनल. ठीक है, ये आपके लिए कब बेस्ट रहेगी? जब आप अपना करियर जो है वो उसको चेंज करना चाहते हैं, यू हैव अ लार्ज वर्क गैप, आपके वर्क गैप में वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर काफी ज्यादा गैप आ गया है. ठीक है, उस वर्क गैप को आप कवर करना चाहते हैं. यू आर अप्लाइंग टू अ जॉब वेयर द स्किल्स आर रिक्वायरमेंट, या फिर आप ऐसी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शनल सीवी के अंदर जो एम्फेसिस करते हैं हम, ठीक है, और फोकस जो होता है हमारे मतलब इंटरव्यू मैनेजर का, सही है, तो इंटरव्यूअर का, वो जो है हमारी स्किल्स की तरफ फोकस करता है. तो अगर हमारे पास हमारी जॉब से रेलेवेंट, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो स्किल्स मौजूद हैं, तो हमें जो है वो फंक्शनल सीवी बनानी चाहिए ऐसी जॉब के लिए जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड हो रदर देन वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन, वही बात, जो कॉम्बिनेशन, यू आर अ मेड करियर प्रोफेशनल और हायर, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, मतलब आपके पास स्किल्स भी और एक्सपीरियंस बोथ, यू आर अप्लाइंग टू अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ऐसी जॉब के लिए बनाई जाती है जिसमें दोनों चीजों की बहुत जरूरत है, स्किल्स की भी और साथ साथ एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की, तो आपके लिए इसका कॉम्बिनेशन बेहतर है.
सब एक छोटा सा एक चार्ट है जिसको बनाया गया है कि भाई आप जो है व्हाट काइंड ऑफ जॉब सीकर यू आर, से आप किस तरह की जॉब सीकर एंट्री लेवल के हैं। तो आप देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, डू यू हैव एन इंटर्नशिप और वॉलंटियर एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू योर टारगेट पोजीशन। अगर आपके पास ये है तो आप कौन सी क्रोनोलॉजिकल बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास वॉलंटरली कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, कोई रेलेवेंट नहीं मौजूद एक्सपीरियंस आपके पास, तो फिर आप आते डू यू हैव रेलेवेंट स्किल्स फॉर, अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं ठीक है आपकी टारगेटेड जॉब के लिए, तो फिर आपके लिए फंक्शनल सीवी बेस्ट रहेगी। कॉम्बो ना बनाइए, कॉम्बिनेशन सीवी ना बनाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे साइड पर। अगर इफ यू आर एक्सपीरियंस 2 ईयर और प्लस, आपके पास 2 साल या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और आप आर यू चेंजिंग अ न्यू इंडस्ट्री, आप अगर इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, यस डू यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस दैट इज ट्रांसफरेबल टू दिस इंडस्ट्री, और आपके पास ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है जो कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप क्रोनोलॉजिकल सीवी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और नहीं, और अगर नहीं, तो इसी स्लाइड को हम नेक्स्ट स्लाइड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट में हम दोनों नो के ऑप्शंस देख रहे हैं, ये मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आगे इसको देखते हैं, तो ये आकर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये हैव यू हैड एनी एम्प्लॉयमेंट गैप ऑफ 1.5 ईयर और प्लस, अगर आपने 1.5 ईयर या इससे ज्यादा का गैप लिया गया है, सही है। अगर नहीं लिया, इफ यू से नो, तो आप क्रोनोलॉजिकल बनाइए। अगर आपका गैप इससे कम है तो आप क्रोनोलॉजिकल बनाइए, अगर गैप इससे ज्यादा है तो डज योर एक्सपीरियंस इलस्ट्रेट द करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। अगर इसको मीट करता तो यस, अगर नहीं कर रहा सही। डू यू हैव रेलेवेंट जॉब स्किल्स फॉर योर टारगेट, और आपके पास अगर स्किल्स मौजूद हैं सही अपने जॉब टारगेट के लिए, तो आपके लिए फंक्शनल इज बेटर देन, यू डोंट हैव टू ड्रॉ योर सीवी ऑन द कॉम्बो फॉर्मेट मीन्स क्रोनो फंक्शनल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो है वो सीवी और इसके बेसिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू मेक सीवी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हाउ टू मेक सीवी, ये मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल सीवी क्या मतलब उसके मतलब फॉर्मेट्स को बहुत हमने डीप में डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मेक अ सीवी, अ परफेक्ट सीवी, अ किलर सीवी कह लीजिए, एन इफेक्टिव सीवी कह लीजिए, उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है, आपका जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूइंग मैनेजर है सही, उस वो किन चीज़ों पर फोकस रखता है, आप से आप जो है वो किन चीज़ों के जरिए अपनी सीवी को आई कैचिंग बना सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को ग्रैब कर सकते हैं, और उसको जो परसुएट कर सकते हैं कि वो जॉब आपको दे, ठीक है। क्योंकि देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स देयर, ठीक है। तो आपने अपनी इन सीवी के अंदर वो चीज़ें जिनको लाजमी सीवी का एलिमेंट बनाना है वो कौन सी हैं, और किन चीज़ों से आपने जो है वो बचना है, जिनको आप कभी भी सीवी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, जो कि आपका नेगेटिव पॉइंट बनती है, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज, हैव गुड टाइम।